बजरंग टीवी, कहानी पुराणों की, ज्योति आस्था की। अरे राजकुमार, प्रथम ये सिद्ध कीजिए कि राजकुमार दुर्योधन ने राजकुमार भीम की वास्तव में हत्या की, अन्यथा आपको मृत्युदंड भी प्राप्त हो सकता है। किंतु किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है? खंड महोदय, और यदि दुर्योधन ने यह कार्य किया है तो वो सत्य नहीं बोलेगा। मेरे पास एक मार्ग है। शीघ्र ही बहुत सारे औषधियां लेकर प्रमाण कोटि जाना होगा। किंतु मैं माता की सेवा करने जा रहा हूँ नकुल। अब माता को सेवा की आवश्यकता नहीं होगी। भ्राता भीम जलाश से निकले और अभी मूर्छित है। ज्येष्ठ और भ्राता अर्जुन माता को लेने गए, शीघ्रता करो। भ्राताश्री, यदि भीम जागृत हो जाएगा तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। वो जीवित नहीं रह सकता। चलो। किंतु प्राताश्री, मामाश्री से विचार करने का समय नहीं है हमारे पास। मामाश्री पिताश्री के साथ मंत्रणा में व्यस्त है। यदि उनकी प्रतीक्षा की तो अनर्थ हो जाएगा। चलो। कैसे है कर्ण महोदय? इस समय विश्राम की आवश्यकता है। ये औषधियां इन्हें स्वस्थ कर देंगी। किसी ने आप दोनों को इस ओर आते तो नहीं देखा ना? चलिए राजकुमार नकुल, राजकुमार सहदेव, आप दोनों को राजमहल लौट जाना चाहिए। आइए, मैं आप दोनों को छोड़कर आता हूं। किंतु
किंतु परंतु का समय नहीं है राजकुमार नकुल। यदि किसी ने आप दोनों को यहाँ देख लिया तो राजकुमार भीम के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इन्हें जिसने भी विष दिया है वो अवश्य इन्हें फिर मारने का प्रयत्न करेगा। जब तक ये सत्य नहीं पता चल जाता कि राजकुमार भीम पर इस प्रकार विष प्रयोग किसने किया था, हमें ये बात गुप्त ही रखनी होगी। चल। चलो दुशासन, जो कार्य अधूरा रह गया था उसका अंत करते हैं। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है भीम। जो कार्य विष नहीं कर पाया वो मेरी गदा कर देगी। दुर्योधन, अब तो आपने स्वयं सिद्ध कर दिया कि भ्राता भीम की हत्या आपने की है। अब तो आपको विश्वास हो गया ना ज्येष्ठ, आप बस आदेश दीजिए, मैं इन सबका वध कर दूंगा। अब आप क्या करेंगे भ्राता दुर्योधन? अब हम पांच हैं और आप अकेले। शासन, कोई भी जीवित नहीं रहना चाहिए। राम
और ये मेरा आदेश है अर्जुन, धनुष नीचे करो। मूर्ख हो तुम पांडु पुत्रो, मूर्ख। राज्यसभा प्रमाण मांगती है, अपराध सिद्ध करना पड़ता है, और तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं कि मैंने भीम को विष दिया था। आवश्यकता है तुमको दुर्योधन? प्रहार करने की इतनी रुचि है तो आप
चाहो तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण कर देता हूँ। दुर्योधन, हम भाइयों को परास्त करना इतना सरल नहीं है।